फाइनली बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दिए और सभी स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार करें, उन सभी स्टूडेंट के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो है लिंक को जो एक्टिव कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो जो है देखना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के द्वारा मैट्रिक व इंटर जो आपका वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आप कभी भी जारी किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, इस आर्टिकल में बताया गया मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आपका जो है, और जैसा कि आपको पता होगा कि आप सबसे पहले आपको इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके तत्पश्चात आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट जो आपका जारी होने वाला है बिहार बोर्ड की तरफ से। यहां पर सभी बच्चे इस वीडियो के साथ बने रहिए, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही खास है। यहां पर देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के द्वारा मैट्रिक व इंटर जो है मैट्रिक व इंटर की जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है। बिहार बोर्ड ने अभी भी मैट्रिक और इंटर जो है रिजल्ट देखने के लिए आपका जो लिंक को भी जो है खोल दिया गया, जिससे आप लोग जो है रोल कॉल वाले में डालकर आप लोग जो है चेक कर भी पाओगे जैसे रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। यहां पर आप लोग चलिए फुल इंफॉर्मेशन आपको हम समझा देते हैं, आखिर आपका बिहार बोर्ड कब तक जो है क्या और कब कितने बजे आपका रिजल्ट जारी करेगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, मैट्रिक इंटर परीक्षा का रिजल्ट देने के लिए बिहार बोर्ड जो है हो गया है तैयार। जैसा कि सभी छात्रों को पता है कि बिहार बोर्ड ने जो है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 का कॉपियों का मूल्यांकन जो है पूरी तरह आपका संपन्न कर लिया। जैसा कि आपको पता है कॉपियों का जो मूल्यांकन जो है ये आपका 24 फरवरी से ही चल रही है और आज आपका हो गया 2 मार्च, और आपका मूल्यांकन जो है OMR का मूल्यांकन और साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव का मूल्यांकन जो है लगभग आपका पूरी तरह आपका संपन्न कर लिया गया है। अब सभी स्टूडेंट को बिहार बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट देने के लिए आपका तैयार है। आपका मूल्यांकन भी समाप्त हो चुकी है और आपको जैसा कि पता है कि आपका जो यह मूल्यांकन जो शुरू हुई थी यह आपका 24 फरवरी 2023 से ही आपका मूल्यांकन जो है यह आपका चल रही है, ठीक है। इंटर का जो मूल्यांकन आपका 24 फरवरी से ही चल रही है, लगभग आपका मूल्यांकन समाप्त हो चुकी है। अब बिहार बोर्ड जो है बिहार बोर्ड अब कभी भी जो है आप सभी स्टूडेंट के जो है रिजल्ट जो है जारी कर सकता है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, सभी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटर जो है रिजल्ट 2023 परीक्षा और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए, जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट का इंतजार करे, सभी स्टूडेंट का जो है इंतजार आपका समाप्त हो चुकी है। सभी बच्चे को क्या करना है, रिजल्ट के लिए आप सभी स्टूडेंट को कैसे चेक करना है, किस वेबसाइट से आपको रिजल्ट मिलेगा, सभी बच्चे ध्यान से बने रहे। और हाँ, अभी हम आपको रिजल्ट चेक करने के लिए भी दिखाऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से बने रहिए। रिजल्ट आपको सबसे पहले किस ऐप पर देखने को मिलेगा, तो आपको इसके लिए प्ले स्टोर में सर्च कर लेना बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023। आप लोग जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने जो है तो आपको लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। और उसके बाद आपको क्या करना, यहां से रेटिंग देना, जैसे आपको ऐप लगे 5 स्टार दे देना रेटिंग, गुड बेटर बेस्ट जैसा लगे आपको यहाँ पर लिख के, उसके बाद ऊपर पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट पर क्लिक करके आपको पब्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना, ओपन कीजिएगा यहाँ से 10th और 12th का रिजल्ट देख सकते हो। जैसे आपका जारी होगा सबसे पहले यहाँ से आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको सर्च करने एजुकेशन के लिए सभी बच्चे को भी हम लाइव समझा रहा हूं कैसे सभी बच्चे जो है ना रिजल्ट चेक कर पाओगे 2023 परीक्षा का, चाहे मैट्रिक वाले स्टूडेंट हो या इंटर वाले, सभी स्टूडेंट को हर एक अपडेट और रिजल्ट से सारी संबंधित जानकारी सारी मिलेगी। और रिजल्ट भी यहीं से आपको चेक करना है, आपको गूगल में भी आना और सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे आप लोग टाइप कीजिएगा, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको करना क्या होगा, रिजल्ट चेक करने के लिए यहां लेटेस्ट अपडेट या रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड यहां पर जो दिख रहा है इसमें आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर दिख जाएगा मैट्रिक इंटर रिजल्ट 2023 दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहां पर जितनी जानकारी है सारी जानकारी को जो है एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हर एक जानकारी यहां पर बताई गई है। और साथ ही साथ जो जो बच्चे इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं यहां पर रिजल्ट यहां से आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। यहां पर आप लोग जैसे आओगे सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा। और रिजल्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले आप लोग ग्रुप में भी जुड़ जाना है, जो जो बच्चे नहीं जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे को ज्वाइन हो जाना है। और उसके बाद आपको यहां पर देख लीजिए डाउनलोड 12th रिजल्ट 2023, यहां पर 12th वाले स्टूडेंट के लिए लिंक दिया गया है और मैट्रिक वाले स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करने के लिए यहां पर लिंक जो है दिया गया है। आपको 12th वाले स्टूडेंट को 12th लिंक यहां ऊपर दिया गया, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहां पर देख लीजिए आपका ऑफिशियल लिंक खुल चुका है, आपको रोल कॉल रोल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और व्यू पर क्लिक करके रिजल्ट चेक करना है 12th वाले स्टूडेंट को, यहीं से आप लोग फटाफट अभी आकर आपको चेक करना है। एंड उसके बाद मैट्रिक वाले स्टूडेंट को भी रोल कॉल रोल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, जो भी कैप्चा जैसे 10 और 7 की ना यहां पर 17 हो गया, यहां पर कैप्चा आपको भरना है, रोल कॉल रोल नंबर डालना है, उसके बाद के व्यू पर क्लिक करके आपको मैट्रिक वाले स्टूडेंट को भी जो है इस प्रकार आपको चेक करना है। तो इंटर और मैट्रिक दोनों का लिंक यहां पर अवेलेबल हो चुका है और लिंक भी एक्टिव हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जो है हर एक अपडेट आप लोगों को सारी जानकारी जो है आपको एजुकेशन गैलेक्सी पर जो मुहैया कराई जा रही है, आप लोग फटाफट आइए गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और हर एक अपडेट जो है पाने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए। और सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक भी जरूर कर लेना है, न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया रिजल्ट चेक करने
के लिए, और जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।